पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेंटेंसेस क्या है, उनकी डेफिनेशन, उनकी कैटेगरी किन किन के बेसिस पे होती है, और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट हमारे जो पांच कैटेगरी है। आई वुड लाइक टू कीप द सेशन एज शॉर्ट एज आई कैन, जितना भी ज़्यादा शॉर्टली मैं बता पाऊंगी उतना शॉर्ट बताऊंगी, एंड ऑल्सो मेक नोट्स, प्रिपेयर नोट्स फ्रॉम इन सच अ वे दैट यू कैन अंडरस्टैंड, तुम लोग को समझ में आ जाए, ये जरूरी है, और इसको भी आप लोग इसकी नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो दिस वुड बी क्वाइट ईजी फॉर यू गाइज। ये शॉर्ट समरी जो मैं नोट पर बताती हूँ तो वो बाद में रिविजन के लिए बहुत आसान होगा, राइट? सो ओके, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल, ऑल्सो यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ क्लीनलीनेस अराउंड यू। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी टेल यू, ये पिछले सेशन में हमने बताया था कि दो कैटेगरी है और आज जो है हम दूसरा पहली कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला जो सेंटेंस है वो हमारा था असर्टिव सेंटेंस। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इस असर्ट का मतलब क्या होता है ना, ये जो असर्ट वर्ड यूज किया गया है इसमें, ये असर्ट का मतलब होता है टू स्टेट और टू डिक्लेयर। ओके, तो अभी मैंने ये जब दो वर्ड्स बता दिए तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका क्या मतलब हुआ। तो सपोजिंगली असर्टिव सेंटेंसेस वो हुए, द सेंटेंसेस दोज आर यूज्ड टू स्टेट और डिक्लेयर द एक्शंस, मतलब कि चीजों के बारे में या फिर बातों के बारे में जो स्टेटमेंट यूज किए जाए, एज अ स्टेटमेंट यूज किए जाए, जो बातों को स्टेट करने के लिए एज अ स्टेटमेंट यूज किए जाए, जैसे कि इफ मैंने कह दिया व्हाट इज योर नेम, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई बात नहीं बता रहा है, ये बात पूछ रहा है। अगर मैंने कह दिया आई बोर्न ऑन डिसेंबर, मैंने क्या कह दिया आई बोर्न ऑन डिसेंबर, तो ये जो है ये क्या कर रहा है, ये सेंटेंस को, चीजों को और स्टेटमेंट्स यानी बातों को स्टेट कर रहा है। आई बोर्न ऑन डिसेंबर, राइट? सो सिंपली क्या समझ में आया कि वो सेंटेंसेस जो चीजों को स्टेट करें, डिक्लेयर करें, साफ साफ कह दें, सिंपली इसको अपन क्या कहेंगे, साफ साफ कह दें, साफ साफ कह दें। तो जो सेंटेंसेस साफ साफ कहने के काम आए वो हमारे क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं, एज पर द मीनिंग ऑफ इट्स मीनिंग टू डिक्लेयर, इसकी क्योंकि मीनिंग की होती है टू डिक्लेयर, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज, और कई जगह पे आपको ये एज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी मिलेगा। क्या बोल सकते हैं इनको, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, की एज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी आपको मिलेगा, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डिक्लेरेटिव। नाउ नेक्स्ट टू द नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है, एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी जो है ना वो वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जब कोई एक्सक्लेम कर रहा है अपन किस चीज को, है ना, कैसे। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है कि जब सेंटेंस में हम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सिंपली एक्शन और इमोशंस और फीलिंग शोइंग सेंटेंसेस, क्या होते हैं, इमोशंस और फीलिंग शोइंग सेंटेंसेस। जैसे मुझे कोई चोट लग गई तो मैं कहती हूँ आउच, या फिर मैंने बहुत ही सुंदर एक पिक्चर देखी तो मैंने कह दिया वाओ व्हाट अ लवली पिक्चर इज दिस, या फिर मैं कहीं पर गिर जाती हूँ तो इफ आई यूज टू से ओ शिट आई फॉल अपॉन, ऐसे अगर मैं सेंटेंसेस यूज करती हूँ तो ओ शिट ओ नो हुर्रे इफ, तो ये जो है वो सेंटेंसेस क्या कहलाएंगे, एक्सक्लेमेटरी कहलाएंगे, दिस कैन बी कॉल्ड एज अ एक्सक्लेमेटरी। फीलिंग्स एंड इमोशंस शोइंग सेंटेंसेस, राइट, feelings and emotions showing sentences, okay? अब हम बात करते हैं कि कैसे, तो ये चीज याद रखना आपको कि जब भी आपको exclamatory sentence मिलेगा you will also get exclamation mark, तो simply इससे याद रखो कि exclamation mark है तो exclamatory sentence है। For example अगर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे oh yes I won the match, oh yes I won the match, ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव, सिंपली इंट्रोगेटिव का मतलब है इंक्वायरी, राइट, तो ये इंट्रोगेटिव का मतलब होता है इंक्वायरी, तो व्हेनेवर देयर इज अ इंक्वायरी, इंक्वायर और
ऐसे फ्रेम कर रही हूँ जो बदले में आंसर चाहते हैं, तो वो सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसमें भी एक आपको एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें था और इसमें भी एक मार्क आपको मिलेगा, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को क्वेश्चन मार्क से पहचाना जाएगा। अब हमारे दो बच रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? इंपरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में आपको ये याद रखना है कि सजेशन कमांड, तो जब भी आपको सेंटेंस में सजेशन कमांड एडवाइस या फिर ऑर्डर मिले तो इसको एकदम निमोनिक्स में याद कर सकते हो, है ना? कैसे? सजेशन कमांड एडवाइस और ऑर्डर, ऑर्डर को पहले लिख देते हैं तो सही बन जाएगा। और इंपरेटिव में क्या होगा? सजेशन, ऑर्डर, कमांड, सोका
और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क, असर्टिव में स्टेटमेंट, यानी जब भी कोई भी सेंटेंस में स्टेटमेंट हो. सो दिस वाज द सिंपलीफाइड वे टू लर्न सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट. सो हम लोग इसको एकदम आराम से लर्न भी कर सकते हैं और जो पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे वो तो आप बनाओगे नोट्स स्टूडेंट्स, बट अलोंग विद इट ऑल्सो मेक दिस नोट इन योर ग्रामर कॉपी सिंप्लीफाइड वे जो है ये भी बना लोगे तो इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू गाइस टू रिमाइंड, मतलब रिविजन करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी. सो ये एक सिंप्लीफाइड वे है. सो होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन एंड बेटर लक फॉर यू.